हम आए हुए एक ऑडिशन में. ऑडिशन तुम्हें पता चल जाएगा जैसे हूटिंग हो रही है तो तुम्हें आवाज आ ही जाएगी मे भी ना. तो फिलहाल अभी ठंड तो तुम देख सकते. हे गाइस, तो जैसे तुमने ये वीडियो देखी तो मैं अभी कुछ दिन पहले एक ऑडिशन गया था. ऑडिशन था 5 तारीख को रोडीज का. तो एक बार ही तुम वो देखो, उसके बाद आके बात करते हैं. हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Ride4boom व्लॉग्स. तो जैसे तुम देख सकते हो अभी भीड़ वगैरह. तो अभी हम आए हुए एक ऑडिशन में. ऑडिशन तुम्हें पता चल जाएगा जैसे हूटिंग हो रही है तो तुम्हें आवाज़ आ ही जाएगी मे भी ना. तो फिलहाल अभी ठंड तो तुम देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हो रही है. अभी मेरे ख्याल से कितना हो रहा होगा, डिग्री क्या हो रही है, कितना डिग्री हो रहा होगा अभी? 8 डिग्री के आसपास अभी हो रहा है फिलहाल ना. टाइम हो रहा है अभी 7:30 हो रहा है, 8 बजे एंट्री मेरे ख्याल से. तो बाकी इतना ही है, बाकी अभी चलते हैं अंदर और see you soon. Hey guys, तो तुम देख सकते हो अभी रोडीज की लाइन लगी पड़ी है. तो रोडीज का ऑडिशन आया मेन तो ना. तो फिलहाल अभी वो वॉशरूम जा रहे हैं फिलहाल. तो चलते एक बार फिर मिलते हैं. Hey guys, तो अभी टाइम हो रहा है 10:48 और हम निकले थे मेरे ख्याल से, मैं निकला था घर से 5 बजे के आसपास. तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यार, इतना नहीं हो पाता है वेट ना. टांगे दर्द हो रही है, सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, ऊपर से वेट इतना है. लदे पड़े लोग ना, बहुत भीड़ है, तुमने देखा ही जैसे ना. तो चलते आगे कंटिन्यू करते इसे. तो यहाँ भी भीड़ है और ये पूरा घूम के ऐसे सांप की तरह जा रहा है पूरा पूरा. और इधर भी भीड़ है यार, कितना टाइम लगेगा अभी अंदर जाने में कोई आइडिया नहीं है. 2-2.5 घंटे भी लग सकते हैं या 5 घंटे भी. अभी फिलहाल तो कोई स्लिप वगैरह मिलेगी उसके बाद एंट्री होती है ना. तो चलते हैं. हे गाइस, तो तुम जैसे देख सकते हो कि यार बहुत सारा क्राउड है, बहुत ज़्यादा क्राउड है. तो अपन तो निकल गए अभी बाहर फिलहाल. तो देखते हैं अभी जब लाइन चलेगी तो चलेंगे इसी के साथ, ताकि इनमें से ही कोई बैंड करंट है जो गालियाँ दे रहा है. हाँ, तो हे गाइस, ये भाई मिला है अभी ना. यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर और जो मारना है सब मार लेना भाई. ठीक है, ठोक के मारना बढ़िया से. जैसे तुम देख सकते हो ऑडिशन तो बाद की बात है, पहले बचा लेते इसको. देख सकते हो तुमने हाथ. लाइन होती है ना, ये लाइन है, ये लाइन है, भीड़ है. मेरे को समझाओ, ये लाइन है, भीड़ है. आपको समझना है नहीं और रोटीज करा लो इनसे.
अभी हम आ चुके हैं रोड पे, मतलब ऐसा सीन हुआ है यार, ना इनका बैरियर अच्छा है ना कुछ अच्छा है इनका, ना मतलब ऐसे ही बस ये काम चलाओ जैसे ऑडिशन करा है इन्होंने, और कोई मतलब नहीं ऑडिशन देने का, ना बैरियर अच्छे है ना पब्लिक क्राउड, तो मतलब बिल्कुल ही खचरों वाला क्राउड होता है ना जो, वैसा क्राउड आया पूरा पूरा प्रॉपर ना। फिलहाल अभी तो ऑडिशन मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया, कोई करेगा ही नहीं यार, ऑफकोर्स ही बात है इतनी ज़्यादा भीड़, 3000 के आसपास पब्लिक जाएगी तो ऑफकोर्स ही बात है कैंसिल वो करेंगे करेंगे। और बाकी तुमने देखा ही व्लॉग में ना कि कैसा सीन चल रहा, तो आप गाड़ी के पास जाके बात करते डायरेक्ट। हे गाइस, तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसे छोटे छोटे देशों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती, पर मैंने सोचा नहीं था कि गुड़गांव में जाके ऐसा होगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं तुम्हें बता ही दिया मैंने, कुछ भी अच्छा नहीं, 1% भी अच्छा नहीं था, मतलब सुबह 4 बजे से लगे हुए और अब जाके नंबर आने वाला था, पर पब्लिक इतना ज़्यादा हो गई उनसे संभाला नहीं गया कुछ भी ना। तो अभी फिलहाल घर चल रहे, अपना संडे तो बेकार नहीं होने देंगे हम किसी हाल में भी, देखते भी कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, बाकी जितना शूट हुआ है उतना तुम देख सकते हो। आई डोंट नो ब्रो कि क्या चल रहा है यार मेरा, मतलब हालत काफ़ी ज़्यादा टाइट है, मतलब ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, मतलब सुबह से मतलब यार रात होती है यार जिस टाइम हम आए थे ना, और एक तो मतलब 2-3 बंदे ऐसे, मतलब तुमने देखा होगा रणबीर पाजी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर बंदे बीच में घुस रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इन दुनिया से, मतलब वो आए हैं अभी 1:30-2 बजे के आसपास और वो बीच में घुस रहे हैं, मतलब क्या होता है इसका मतलब यार, तुम लोग अंदर बैठे हो, तुम लोग इतने बड़े एक रोडीज चला रहे हो, तुम्हें क्या इतना आइडिया नहीं है क्या, तुम्हें कैसे करना चाहिए क्या करना चाहिए, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास दिमाग वगैरह क्या। तो अभी इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, सीधा मिलते घर पर। तो हे गाइस, तो जैसे तुम लोगों ने देखा कि मैंने बोला कि घर जाके बात करते हैं, तो उस दिन मैं इसे शूट नहीं कर पाया, मतलब अभी तो काफ़ी टाइम हो गया रोडीज़ के ऑडिशन को ना, तो मैं ये इस टाइम इसलिए डाल रहा हूँ, मतलब मेंटली होता है ना यार एक वो होता है कि क्रेज़ भी होता है और बंदा जाता भी है पूरी मेहनत करता अपनी तरफ से, पर वो कम मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, वो इसी ना हमारे साथ हुआ, मतलब हम यहाँ से मैं निकला यहाँ से 4 बजे के आसपास, मैं 5 बजे जाके लाइन में लगा, 2:30 बजे तक हम गेट तक ही पहुँचे, मतलब तुम लोगों ने देखा पब्लिक इतनी ज़्यादा थी, मतलब जितना मैंने देखा वहाँ पे, देखो अपन गए अपन सच्चाई पे, ठीक है अपन किसी से झूठ नहीं बोलते ना तुम लोगों से ना वैसे नॉर्मली अपनी लाइफ में, और व्लॉग मतलब नॉर्मली लाइफ का, ठीक है। तो इसका सीन ऐसा है कि बंदे पब्लिक है 5000, मैं एक एवरेज लगा के चल रहा हूँ कि इतनी पब्लिक है 5000 पब्लिक है, तो एक नॉर्मल बंदा क्या करता है, 2-2 के 4-4 के पेयर भेजता है, और वो बंदे मतलब रोडीज एक रियलिटी शो इतना बड़ा जिसका नाम वगैरह सब कुछ है, वो बंदे भेज रहे हैं 1 मिनट में एक जने को टोकन मिल रहा है, मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस टाइम मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि सारा सेटअप मेरा बैग में था, पर 1 मिनट में एक जने को टोकन, इतनी भीड़ में एक जने को एक टोकन मिल रहा है, फिर वो जा रहा है उसकी चेकिंग हो रही है पूरी, मतलब एक बात बताऊँ, बंदा रोडीज के ऑडिशन देने आ रहा है वो बम लाएगा अपने साथ यार, एक साथ 4 बंदे भेज दो इतनी ज़्यादा तुम, एक तो ना पुलिस, 2 बंदे सिर्फ पुलिस के, 5000 पब्लिक जिसमें सिर्फ 2 बंदे पुलिस के और कोई पुलिस का नहीं, ठीक है, और उन्हें बात करनी नहीं आती पुलिस वालों को, तो उन्हें क्या ही बोलना, छोड़ो पहले रॉडीज की बात कर लेते हैं। तो तुम लोगों ने सारा सीन देख ही लिया, मतलब एक प्रॉपर सेटअप होता है यार कि तुम 4 जनों का हिस्सा बना के वो जाते 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 सिंगल हो जाता है, ठीक है, ये सिस्टम होता है, मतलब हम 4 बजे से जहाँ खड़े हैं वहीं हम, जैसे तुम्हें बताऊँ कि हम 4 बजे से लगे हुए जहाँ पे हम 2-2:30 बजे पहुँचे ना, वहाँ पे वही बंदे आ रहे हैं कूद कूद के जो 2-2:30 बजे ही आए हैं, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा मतलब मूड ख़राब होगा यार अगले बंदे का, क्यों नहीं होगा, जैसे अब तुम लगे हुए हो कहीं पे, तुम 2 बजे या 4 बजे जितने भी 5 बजे भी लगे हो और तुम्हारे साथ जो बंदे हैं वो भी वहीं लगे हुए हैं, और एक 2:30 बजे बंदा आया वो वहाँ लग गया तुम्हारे साथ आके, हर्ट होता है यार सबको होगा, हमें हो रहा है तो सबको होगा, मतलब मैंने 2016 में भी दिया था एक ऑडिशन, मतलब उसका था काफ़ी अच्छा था, अभी ये गुड़गांव में हुआ, काफ़ी लोगों ने वीडियोस डाली यूट्यूब पे, मेरा भी मन था कि जल्दी फटाफट से डाल दूँ, पर नहीं यार ऐसे झूठ फैला के कि कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे कुछ नहीं ना, मतलब लोगों ने जो मतलब 1-2 वीडियोज़ मेरे में भी तुमने देखी होगी, एक बीच में आया होगा एक व्लॉगर माइक लेके रिकॉर्ड कर रहा है रिव्यू वगैरह ले रहा है, उसने वो पार्ट डाला ही नहीं है, मतलब उस चैनल का मैं नाम नहीं लूँगा, छोड़ो जो भी है, तो यही है, मतलब क्या मतलब होता है इस चीज़ का ना, मतलब इतना सब कुछ करके
और अब तो मतलब मेरा तो पहले ही क्रेज हट गया था, 2016 में ही हट गया था मेरा क्रेज, मतलब था एक टाइम का, उसके बाद मैं खुद ही हट गया था, मन नहीं था बिल्कुल भी करने का ना। अब तो बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा बेकार, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता मैं, पब्लिक तोड़ रही है, फोड़ रही है, इधर उधर भाग रही है, मतलब संभालना नहीं आया, इतनी पब्लिक बुला रही। और मतलब यार मैंने अभी तक एक भी ऐसा वो नहीं देखा यूट्यूबर जो अंदर पहुंचा हो, मतलब वैसे 2020 में कि कोई रोडीज का ऑडिशन देने गया और वो अंदर तक आ गया, अभी तक तो नहीं देखा। बाकी गया हुआ आई विश जाए लोग, यार सबका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है इस चीज़ में, होता है ना एक कि भाई बंदा आ रहा है तो उसका कुछ हो ना उसे, मतलब चोट वगैरह ना लगे। मतलब मेरे सामने इतनों की चोट लगी, मेरे हाथ पे चोट लग रही है, पाँव दब रहे लोगों के, और ना वो क्रेज़ जैसे तुम देखते हो, अब जैसे आएगा इनका जो भी आएगा उस पर बोलेंगे कि रोडीज़ का इतना क्रेज़ था, लोग आ रहे थे, इतनी भीड़ आई थी, इतनी भीड़। मैं सही बता रहा हूँ, कभी ट्राई करो जाके ना, कोई क्रेज़ नहीं होता है, वो सिर्फ परेशान हो चुके होते हैं इसलिए वो ऐसी कर रहे होते हैं हरकतें ना, कि 4 बजे जाके बंदे दिन के 4 बजे गेट तक नहीं पहुँचे, भाई गेट तक नहीं पहुँचे। मैं तो इस बात पर परेशान हो रहा हूँ कि बंदे 4 बजे जाके गेट तक कैसे नहीं पहुँच सकते भाई, मतलब 12 घंटे में उनसे 4 बजे लोग आए हैं, उनका कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते भाई तुम लोग। तो मैंने देखा ना वहाँ जाके, जो तुम्हें दिखाने की मैंने कोशिश करी, भाई गॉड यार, मतलब हद हो गई हद। तो अपना तो अब से हमेशा के लिए कैंसिल है, कोई मतलब नहीं है रोडीज, कोई भी जरा सा भी मतलब नहीं, मतलब 2016 में तो वैसे ही चले गया था, पर अब तो ज़रा सा भी मतलब नहीं है। मैं सिर्फ पर मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ शूट करने को मिलेगा और ऐसा मैं बोलूँगा उसके बारे में, पर रियलिटी है ना कि सही में वो क्रेज़ नहीं होता है, वो बस परेशान हो रही होती है पब्लिक, इसलिए हूटिंग कर रही होती है कि सालो, मतलब बीप 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 बीप। तो वो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर मारें, और ख्याल रखें अपनों का अपना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।